नमस्कार, मैं सृष्टि मिश्रा, 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस की ओर। भोपाल में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिग्विजय सिंह पर बोला हमला, कहा आतंकवादियों का साथ दे रहे दिग्गी, भोपाल से मिलेगी करारी हार। बैरसिया में स्टार प्रचारक जयप्रदा और शिवराज ने किया प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर किया कटाक्ष, कहा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे दिग्गी। दमोह के जेवरा के पास कार और ट्रक की हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, 50 मोटरसाइकिल जलकर खाक, बिजली के तार में आग लगने से हुआ हादसा। और राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में बिजली के खंभे में लगे रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर, प्रशासन पर लगा भेदभाव का आरोप, स्थानीय रहवासी हो रहे परेशान। भोपाल में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है गैस त्रासदी के समय हजारों लोगों की जाने गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने आरोपी वॉरेन एंडरसन को बेवजह छोड़ दिया था। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जावड़ेकर ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति आतंकवादियों का साथ देता है, आतंकवाद का मजहब तय करता है, वो क्या तरक्की करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भोपाल से दिग्विजय सिंह बुरी तरह से चुनाव हारेंगे, उनको उनका पाप ले डूबेगा। भोपाल की गैस त्रासदी जिसमें 30,000 लोगों मरे, गरीब 30,000 लोग मरे, उस गैस त्रासदी के जो मुख्य आरोपी थे एंडरसन उस समय इधर थे, लेकिन उनको सरकारी विमान से ये एंडरसन को देश के बाहर ले जाने का काम ये यहां हुआ, इसकी भी याद रोज रखेंगे कि ये कांग्रेस का चरित्र है। भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज और स्टार प्रचारक जयप्रदा ने बेरसिया में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि वे दिग्गी हैं जिनके राज्य में मध्य प्रदेश बीमारू और बेहाल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इनके राज्य में ना लाइट का पता ना रोड का पता चलता था, और आज ये बाबाओं को बुलाकर हवन कर रहे हैं, और ऐसा हवन जो मिर्ची से किया जाता है। अरे हवन तो सबकी तरक्की और प्रदेश की उन्नति के लिए किया जाता है, ये अपनी जीत के लिए हवन करा रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे में वो क्या देश का भला करेंगे। वहीं इस मौके पर बीजेपी के स्टार प्रचारक जयप्रदा ने भी जनसभा को संबोधित किया। आज मैं यहाँ से एक ही बात बोलना चाहती हूँ, हमारे जो इस चुनाव में आप लोगों को धर्म युद्ध में हमारे मोदी जी को आप लोग जिताएंगे, फिर से हमारा यह सपना भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के लिए उनके उत्थान के लिए जो बात होती है, महिलाओं की रक्षा की बात होती है, और साथ साथ हमारे किसान भाइयों की रक्षा करने वाला मोदी जी इस देश को भी रक्षा करने के लिए काम किए हैं। भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के संयोजक ने दिग्विजय सिंह को वोट देने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि पहले के सभी भोपाल सांसदों ने संसद में भोपाल की सभी समस्या रखी, लेकिन गैस पीड़ितों के विषय में कुछ नहीं कहा। वहीं उनके द्वारा कुछ मांग की गई है जिसे दिग्विजय सिंह ने संसद में उठाने की बात कही, और उन्हें मदद का पूरा आश्वासन दिया, जिसमें गैस प्रभावितों की चिकित्सा, आर्थिक सामाजिक पुनर्वास देकर बेहतर बनाने का प्रयास, रोजगार के लिए विभिन्न उपाय इत्यादि शामिल है। हम लोगों ने जो पार्टियां या जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनसे सवाल किए थे। नंबर एक, मुआवजे का जो मामला रुका पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो क्या हेल्प करेंगे। दूसरा, मेडिकल केयर पे क्या करेंगे। तीसरा, ये आर्थिक पुनर्वास में क्या करेंगे। चौथा, जो कंटामिनेशन है यूनियन कार्बाइड के आसपास जो जहरीले रसायन पड़े, उसको लेकर क्या करेंगे। तो हमें 11 अप्रैल को केवल दिग्विजय सिंह का एक लेटर मिला है जो इसमें हमने लगाया हुआ है, उसमें साफ कहा कि वो सभी चीज़ों पर काम करने को तैयार हैं।
दमोह जिले के जवेरा थाना अंतर्गत बीती रात हुए एक सड़क गंभीर हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। मामले के मुताबिक यह लोग नोहटा थाना अंतर्गत अभाना गांव में जैन परिवार के लोग रिश्तेदार के यहां से एक कार्यक्रम के समापन के बाद जबलपुर जा रहे थे। इसी दौरान जवेरा पास उनकी बुलेरो कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें जयशी जैन ड्राइवर महेंद्र एवं 10 साल की मासूम अनन्या की मौत हो गई। वहीं आकर्ष जैन, दीपाली जैन, राशि जैन, दिशा जैन, सतीश जैन के गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है, लेकिन इस हादसे के बारे में कुछ भी बोलने से बच रही है। मुरैना के मंडी प्रांगण में मोटरसाइकिल से भरे ट्रक में आग लग गई, जिससे 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि खड़े ट्रक के ऊपर से बिजली के तार लगे हुए थे, उस दौरान तारों से चिंगारी निकली थी, जिसके बाद आग ने पूरे ट्रक को अपने चपेट में ले लिया। वहीं दमकल की गाड़ियां काफी देर से पहुंची, जिस वजह से आग पर काबू नहीं पाया गया। मुरैना से तुलसीदत्त शर्मा की रिपोर्ट। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ इलाके के चम्मी मोहल्ले में बिजली के खंभों पर रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग नगर के व्यस्ततम मार्गों में से एक है, जहां से वन विभाग कॉलोनी, बड़ा एवं छोटा महादेव, सिविल अस्पताल, उप जेल, सच्चाई कॉलोनी समेत अनेक स्थानों पर काम के लिए हजारों लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा रोड को लेकर कोई विशेष पहल नहीं की जा रही। जबकि लोगों ने प्रशासन के कहने पर नगर सौंदर्यीकरण के नाम पर अपना अतिक्रमण हटा लिया है, फिर भी लोगों को धूल से सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका वाले रोज तो आ जाते हैं और आधे घंटे के लिए ट्रेलर बताते हैं, और आधे घंटे में अभी नालियां पूर दी, कुछ भी मोहल्ले में कीचड़ फैल रहा है, ये अव्यवस्था फैल रही है, इनका कोई वो ध्यान दे नहीं रहे हैं। और तो आप देखो पूरी नालियाँ चौक हो रही हैं, ना सड़क बन रही है, कुछ रहा धूल इतनी हो रही है कि रोज बीमारियाँ फैल रही हैं। प्रशासन मांग ध्यान देता नहीं, रोज ट्रक फंस जाते हैं यहाँ पे। अभी हमको ये मालूम पड़ी, कुछ लोगों ने बोर्ड लगा दिया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी हमने सभी लोगों से, भाई लोगों से चर्चा किया, हालांकि सभी लोग रोज के मिलने वाले मोहल्ले में रहते हैं, इनकी परेशानी जायज है, लेकिन कुछ समस्याएं प्रशासनिक भी होती हैं। कारण के लिए जो अतिक्रमण टूट रहा था और रोड, जो ये कुछ लोगों के अभी मकान टूटे नहीं है, इसलिए रोड बनाना असंभव सा हो रहा है। जैसे ही अपनी वोटिंग का काम खत्म हो जाएगा, जो मकान टूटे नहीं उनको तोड़ करके और रोड सीधा करके, रोड SDM साहब ने बोला है कि तत्काल रोड बनवा। और इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।